हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है और हमने सॉलिड स्टेट के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं पैसेज, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सॉल्यूशन का आज देख रहे हैं पैसेज नंबर 13। तो देखते हैं बच्चों, पैसेज नंबर 13 क्या कहता है। कह रहा है, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट द सॉलिड एंड द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। देयरफॉर ए सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ है, क्या है, यानी कि जब हमारे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाए और वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का दोनों का सेम हो जाए, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी गिवन एज। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दे रहा। क्या बताया गया कि अगर आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और आपने देखा भी होगा बच्चों, जब हम गाड़ी में कूलेंट डालते हैं तो उसमें हम वाटर एज यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वाटर यूज़ करेंगे तो जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जीरो से भी नीचे होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो जम जाएगा, और जम जाएगा तो फिर इंजन को वो कूल नहीं करेगा। तो इसलिए उसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, इतनी बात, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। आते हैं पहले पर। असर्शन 0.1 mm सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज सेम डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एज 0.1 mm सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि देखो अमाउंट की ओर ध्यान दो। अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, और हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। अगर ये दोनों सेम हैं तो भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा। एंड Kf फॉर बोथ द सेम वैल्यू, ये भी सही है। आपको पता है कि डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf इंटू m। अब ये तो सेम है, और अगर उसकी मोलैलिटी अगर सेम आ रही है तो डेल्टा Tf उसने बोला सेम है, तो सिंपल सी बात है Kf की वैल्यू भी सेम होगी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो बच्चों आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना, चलो अगला क्या कहता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट यानी कि हमारा Kf, ठीक है, लेसर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, डेल्टा Tf इज इक्वल टू होता है एम Kf। अगर मैं Kf की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ बच्चों, किसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, Kf की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो सिंपल सी बात है आपका डेल्टा Tf भी बढ़ेगा। और अगर डेल्टा Tf बढ़ रहा है तो बच्चों डेल्टा Tf होता क्या है, तो ये होता है टी नॉट एफ माइनस Tf इज इक्वल टू डेल्टा Tf। तो हमारे पास Tf आ जाएगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा Tf। ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ क्या होती चली जाएगी, कम हो जाएगी। तो बात बिल्कुल सही है कि अगर हम क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट को बढ़ाते हैं तो डेल्टा Tf बढ़ेगा और Tf उसका क्या हो जाएगा, कम। एंड एक्सटेंट ऑफ डिपर्सन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि अगर आप बात कर रहे हो किसकी, देखो भाई हमें कहा गया कि एक्सटेंट ऑफ द डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वो सही बात है कि कोई भी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी किस पर डिपेंड कर रही है, आपके सॉल्वेंट पर। तो दोनों चीज़ें सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है उस चीज़ को, तो यानी कि ऑप्शन आपका हो जाता है ए, क्योंकि वो सॉल्वेंट कितने पर फ्रीज हो रहा है इसी पर तो डिपेंड कर रहा है वो। ठीक है ना, कि पहले में होगा कि क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट को बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा Tf बढ़ रहा है, और उसमें जितना भी डिपर्सन होगा वो डिपेंड करेगा उस सॉल्वेंट पर। क्लियर है इतनी बात, चलो अगले पाते हैं। कहता है, वाटर पाउच ऑफ इंस्टेंट कोल्ड पैक ऑफ ट्रीटिंग एथलीट इंजरीज ब्रेक्स व्हेन स्क्यूज्ड एंड NH4NO3 डिसॉल्व दस लोअरिंग द टेम्परेचर। देखो बच्चों, ये क्या है, जो हमारा NH4NO3 है बच्चों, ये एक नॉन वोलेटाइल है। यानी किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम मिला रहे हैं तो उसके हम फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर रहे हैं बच्चों, कम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, उसका कम हो गया। एन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट रिजल्ट्स इन
डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात बोली गई है और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए। आते हैं लास्ट पर, इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्सड इन ए सॉल्यूशन देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोथ विल बी सेम। पर देखो ये दोनों सेम नहीं हो सकते क्योंकि बच्चों KF और हमारे पास KB यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है डिफरेंट। जब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो ये सेम कैसे होंगे, तो ये आपका असर्शन बिल्कुल गलत है। चलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोथ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही है। यानी कि क्या एलिवेशन कितना हो रहा है और डिप्रेशन कितना हो रहा है वो यही डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूट आपने कितना मिलाया है, बात बिल्कुल सही है। तो देखो ये सही है लेकिन ये गलत है और ये सही है, तो ऑप्शन हो जाता है डी। तो बहुत आसान सा बच्चों पैसेज था जिसे हमने बहुत आसानी से कर लिया। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।